अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे टॉपिक पर लाना चाहता हूँ कि वक्त आन पहुँचा है कि अब हमें उठ खड़े होना चाहिए। कराची हमारा शहर, रोशनियों का शहर। मौजिज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों से हत्ता के देहातों से लोग कराची का रुख करते हैं, क्योंकि कराची को पाकिस्तान का माशी हब जाना जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आकर रोजगार की तलाश में निकलते हैं और इसी शहर से लाखों करोड़ों यहाँ तक के अरबों रुपए कमाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लोग कराची में पैदा हुए, जो लोग कराची के कहलाते हैं, जो लोग कराची के लिए जीते हैं और कराची के लिए ही मर जाते हैं, आखिर उनका हक हमेशा क्यों मारा जाता है? मौजिज दोस्तों, मेरा मकसद कतई किसी और जमातों पर, किसी और जबानों पर तनकीद करना नहीं है, मगर ये सवाल करना भी मेरा हक है कि हमारे कराची को इंसाफ कब मिलेगा, कब हमारी हुकूमत की नज़र हमारे शहर पर पड़ेगी। कराची का एक इदारा, शायद अगर मैं आज इस इदारे का नाम लूंगा तो मुझ पर भी कहीं बैन ना लगा दिया जाए, कराची को बिजली सप्लाई करने वाला इदारा, जो कई सालों से अपनी मनमानी करता आ रहा है। मुसलसल एवरेज यूनिट के नाम पर हजारों रुपए, यहाँ तक के लाखों रुपए अवाम से बटोर लेता है। ये इदारा जब दिल चाहे अपनी मर्जी से लोड शेडिंग करता है। सर्दी हो, गर्मी हो, यहाँ तक के दिन हो या रात हो, इस इदारे को कोई परवाह नहीं कि गरीब के घर में ना तो UPS है और ना ही जनरेटर, उसका क्या हाल होगा। इस लॉकडाउन के वक्त में कुछ ऐसे घर भी हैं जिनके पास एक वक्त के खाने के पैसे तक मयसर नहीं हैं, उनको भी हजारों रुपए, यहाँ तक के लाखों रुपए के बिल भेज दिए गए। ऐसे घर जिनका बिल 500 से 1000 और 1500 रुपए के दरमियान में आता था, आज उनका बिल 30,000, 40,000, यहाँ तक के लाखों रुपए तक भी आ रहा है। मोनोपोली, इसको अगर आसान लफ्जों में बताऊं कि आप एक शहर में किसी एक ही इदारे को अलाउ करते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो ऐसी सूरत में होता यह है कि दूसरी कंपनीज उस शहर का रुख नहीं करती, क्योंकि वो अपनी मोनोपोली कायम कर चुका होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके इलाके में एक ही दुकान है जिससे आपने सामान खरीदना है और दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, तो अगर वो आपको महंगा सामान भी देगा तो आपने उसी से खरीदना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, कराची का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कराची में मौजूद ये इदारा अपनी मनमानी करता है और अपनी मर्जी के रेट्स चार्ज करता है, अपनी मर्जी के टैरिफ चार्ज करता है, और आखिर में गरीब लोग, गरीब आवाम और कम आमदनी वाले लोग ही पिसते हैं। लेकिन अफसोस, यहाँ कोई आवाज नहीं उठाता। इवन कोई आवाज उठाने की कोशिश भी करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। कराची का शहरी होने के मुताबिक मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं भी अपना सजेशन दूं, और वो सजेशन ये है कि जिस तरह हम मार्केट में आटा खरीदने जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ कंपनीज के प्रोडक्ट मिलते हैं, हमारी चॉइस होती है कि हम किस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। हम मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने कई सौ दुकानें होती हैं, हम जहां से जिस क्वालिटी पर, जिस रेट पर कपड़ा लेना चाहें हम ले सकते हैं। तो इसी तरीके से बिजली खरीदने पर भी हमारे लिए चॉइस होनी चाहिए कि हम जिस रेट में, जिस भी कंपनी से चाहें बिजली खरीद सकें, ना कि सिर्फ एक ही इदारे से खरीदें जो अपनी मनमानी करे और अपने मतलब के रेट्स हमें प्रोवाइड करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, और इंशाल्लाह जो ये हमारा मकसद है, जो हमारा अज़म है, जो हमने इरादा किया है कि हम कराची के लोगों के लिए ये जो बिजली का मसला है इसको ज़रूर हल करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।